मिलो खूम सोनियाल अब निरह तू लाटी काली क्या बहुत बेमान वे गे तू। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राधिका ढौंडियाल फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस ढौंडियाल में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से ही कर रही हूँ। अभी जस्ट हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अब हम काम वगैरह कर रहे हैं। देवरानी जी बर्तन धो रही है और मैं मारूंगी अब झाड़ू। पापा भी चले गए हैं काम से और मधु भी चली गई है स्कूल, तो हम अब दो तीन ही हैं घर पे। और मम्मी जा रखी है छत में कपड़े वगैरह डालने के लिए। सो फ्रेंड, झाड़ू वगैरह मैंने मार लिया है, तो अब है पोछा मारने की बारी। तो चलो मारती हूँ मैं अभी पोछा। मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आज हमने अच्छे से किचन वगैरह साफ किया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कल जो हमारी बूढ़ी सास है, मतलब सास थी, मतलब हमारी दादी, तो कल उनका श्राद्ध है। आज का श्राद्ध चल रहे हैं, तो उनका कल श्राद्ध है। तो पापा, मतलब हम लोग, हम श्राद्ध देते हैं दादी का, तो कल श्राद्ध है। तो फिर आज थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग हो रही है घर की, तो तब जाके थोड़ा आज टाइम हमें लग जाएगा। तो चलो अब मैं मारती हूँ पोछा वगैरह। देवरानी जी नहाने चली गई हैं, अब वो कपड़े वगैरह है, अब वो कपड़े वगैरह धुल देंगे, तब तक मैं पोछा वगैरह मार दूँगी। तो उसके बाद तब फिर मैं भी नहाऊँगी। तो चलो, अभी दादाजी आए हैं हमारे घर पे और उनके जो पोते हैं वो आए हैं। अभी थोड़ी देर में मिलाऊंगी मैं आप लोगों से। तो ये रहा मेरा छोटू सा गोलू मोलू देवर, मतलब मेरे जो हमारे जो मतलब यहाँ पे रिलेशन में दादाजी हैं उनके पोते, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है उनकी जो बहन है उनके बेटे हैं ये। तो आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष, वैसे ये बहुत अच्छा है, हमारे साथ ऐसे मिलजुल के रहता है। ये आया था जब मेरे देवर की शादी हुई थी, तो तब गांव आ रखे थे लोग, तो तब से वैसे हम जानते हैं वैसे, लेकिन अब हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। तो हेलो बोल दो आयुष। हेलो। हेलो। तो चलो, बहुत क्यूट है, अभी बिल्कुल शांत बैठा है, लेकिन ऐसा शांत है नहीं, ये बहुत तेज है। तो देखो आयुष को देखो तुम, यहाँ साइकिल के साथ बोल रहे हैं मैं नहीं आ रहा, मेरे को डर लग रहा है। ओहो, इतना मासूम बन रहा है ना ये, है आयुष? बोल दे जरा, क्यों डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है तेरे को पता? कौन मारेगा तेरे को? फिर तुम्हारा वीडियो चल रही है ना? नहीं तो झूठ बोल रहे हो, पता है? नहीं है, सच में वीडियो चालू है ही नहीं है। सच में नहीं है, बोल। जरा कैमरा घुमा के दिखाओ। अरे सच में नहीं है तो घुमाओ तो। अरे कैसे घुमाऊं, फोन मेरा नीचे गिर जाएगा ना, मैं तब नहीं घुमा रही है। मैं घुमाऊं? नहीं तू बता पहले, क्यों डर लग रहा है तेरे को पहले बता। पहले ये बता पापा कितने लोग देखते हैं? मेरे को, अब मेरे को क्या पता मुझे कितने लोग देखते हैं, जिनका मन हो देख लेते हैं। ये भी हमारा छोटू सा सब्सक्राइबर है, ये मेरी वीडियो डेली देखता है। है, देखता है ना आयुष? अनलाइक करता हूं। हां अनलाइक कर दो। चल यार इतनी बेइज्जती मत कर, मजाक कर रहा हूं। हां भाई, तो ये देखिए गाइस, ये देखिए सवेरे 8 बजे उठी हैं और अभी अभी तक देखिए पोछा लगा रहे हैं। टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। 11 बज चुके हैं, 10 बजे मैं आया था 10 बजे से 10 मिनट पहले, और ये देखिए तब फिर इनसे झाड़ू और पोछा नहीं लगाया गया। आज मैंने बहुत सारे काम किए। क्या क्या किया जरा सुबह उठ के बताना। सुबह उठ के मैंने, अभी नहाया तो नहीं है वैसे, किचन साफ किया, नाश्ता वगैरह बनाया हम दोनों ने, सबको खाना खिलाया, खुद भी खाया, झाड़ू लगा लिया, पोछा मार लिया, पूरे अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर ली। तू क्या बोल रहे, तूने क्या किया बता? अभी एक चीज बची है। क्या बची है? कपड़े धोना। कपड़े तो सपना धो रही है ना, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, वो कपड़े धो रही है। कहाँ है? छत पे? नहीं, छत पे धोते हैं कोई कपड़े? तो कहाँ धो रही है? बाथरूम में। तो देखो फ्रेंड, इसको सब कुछ जानना है कि मैं कैसे बल यूट्यूब बनाती हूँ, मुझे भाभी बल बता दो। अंदर आ गया मेरे रूम में, तो बताना तुझे? हाँ। नहीं मैं नहीं बताऊंगी तेरे को। क्यों? नहीं मेरा मन नहीं कर रहा तुझे बताने का। फिर आपसे ज्यादा मेरे हो जाएंगे, मैं भी बनाने लग जाऊंगा। ओह माय गॉड, ये भी बनाएगा? तू भी बनेगा? तू भी बनेगा यूट्यूबर? सच में? पहले मेरा वो करना, मुझे सपोर्ट कर अच्छे से।
इनकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। अच्छा हाँ भाई कर देना आप तो, मेरे छोटे से देवर ने भी बोल दिया। काम वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है तो जो मेरा छोटू सा देवर आया था वो भी चला गया है अपने घर पे। ज़्यादा टाइम में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, उस टाइम वो निकल चुके थे, पर कोई बात नहीं, जब दोबारा आएगा तो ज़रूर लाऊंगी वीडियो में। तो चलो अब खाना बनाते हैं। आज मम्मी बोल रही है कि कढ़ी चावल बनाओ तो कढ़ी चावल ही बनाते हैं। मम्मी अभी जा रखी है दूध और दही लाने, दूध भी नहीं है तो मम्मी जा रखी है, तो चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड बनने लग गई है मेरी कढ़ी, मैंने गैस पर चढ़ा दी। ये वही फिर मम्मी के लिए छोटी कढ़ाई में, हम लोगों के लिए बड़ी कढ़ाई में। आज चावल हमारे रेडी हो गए हैं। मधु भी आ गई है स्कूल से, बोल रही है कि तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे भूख लग गई। तो मैंने बोला बस 2 मिनट ज़्यादा, तो चलो जब तक कढ़ी बनती है तब तक थोड़ा बाहर बैठ जाते हैं। आज भी बाहर बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की हल्की, तो चलो देखते हैं। तो दगड़े हो मम्मी था मात देखे अभी एक गाना याद आऊँ चु तुम भी सुनो, कई लोगों को सुनी होलू पुराण गाना चो इन तुम्हें नहीं पता कि कह चो पर सुनो छैच, तो चलो सुना चुमी। मिलो खूम सोनियाल अब नी रह तू लाटी काली, क्या बहुत बेमान वे गे तू। कैसा लगा मम्मी आपको मेरा गाना? आप पे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो आप बहुत बेमान हो गए भला। हाँ कल दादी का श्राद्ध है तो मम्मी ने बोला थोड़े से दादी के लिए भी बचा दो, तो हमने अब थोड़े से दादी के लिए रखे हैं। और ये देखो इतने सारे खा ले इन्होंने सब ने, एक मुझे छोड़ के बस। सबसे ज्यादा भाभी खा देगा। ओह सबसे ज्यादा इसने खाए। तो चलो फ्रेंड अब हम जा रहे हैं सब्जी के लिए। आज भी भाई मैं और सपना जा रहे हैं दोनों बहने, तो बताओ मम्मी क्या लाना है आज? जो मर्जी वो लाना। अच्छा नहीं आपका कुछ मन कर रहा है खाने का, आपके लिए क्या लाना है? नहीं क्या लाना है मेरे लिए तो कुछ नहीं, जो सब्जी मिल जाएगी ले आना। अच्छा मेरे लिए चौमिन लाना। कल दादी का श्राद्ध है। हाँ सब्जी की तो मिलेगी नहीं मिलेगी, बारिश भी लगी है। हाँ फ्रेंड यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी वैसे कम है लेकिन पता नहीं अब सब्जी मंडी लगी होगी नहीं लगी है पता नहीं। हाँ तो वहीं जाके पता चलेगा, तो चलो चलते हैं अब। तो फ्रेंड आ गए थे हम सब्जी से अभी कुछ देर पहले, तो सब्जी वगैरह रखी है मैंने बनाने के लिए। यहाँ पे देवरानी ने गूंद लिया है आटा, तो यहाँ पे रखी है मैंने सब्जी। देखो इसके लिए इसके मिस्टर जी का फोन आया है तो छुई बत्ता लगा रही है। और बाहर आज देवर जी की जो शादी थी उसकी वो लगा रखी है इन्होंने, पेन ड्राइव लगा रखी है। तो अभी हम वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड खाना वगैरह हमारा हो चुका है, आज हमें बहुत लेट हो गई वो क्योंकि देवर की हम जो शादी की पिन ड्राइव थी वो देखने में बिजी हो गए थे सारे के सारे। तो फिर अभी जाके हमने खाना वगैरह खाया, आज तो कसम से 12 बज गए हैं वैसे। तो अब सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि कल हमें जल्दी उठना भी है क्योंकि कल दादी का श्राद्ध है। तो चलो अब वैसे सो जाते हैं, पापा तो सो गए हैं, अब हम भी सोने की तैयारी करते हैं। तो चलो फ्रेंड अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कल का ब्लॉग तो वैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं कल, तो तब तक ले बाय।